टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयासों के चलते ब्रेंट क्रूड $109 प्रति बैरल तक लुढ़क चुका है। वहीं अमेरिका में कच्चे तेल के दामों में 8.5% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है और यह $100 प्रति बैरल के नीचे जा पहुंचा है। जाहिर है कि भारत के लिए यह राहत की खबर है, जो अपने 80% कच्चे तेल की खपत के लिए आयात पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत और सीज फायर की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है। साथ ही इस बात को लेकर भी भरोसा बढ़ा है कि रूस के तेल का कोई विकल्प नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहा तो यूरोप रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता। युद्ध जारी भी रहा तो भी रूस से सप्लाई बाधित नहीं होगी, इसलिए भी कच्चे तेल के दामों में नरमी आई है। आपको बता दें कि यूरोप अपने 40% कच्चे तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है। चीन में फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन में कोरोना केस के 2 साल के उच्चतम स्तर पर है। चीन के शंघाई और शेंजेन में लगभग 2.40 करोड़ लोग लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की मांग में कमी आई है और यही वजह है कि कच्चे तेल के दामों में इतनी नरमी आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल तक जा पहुंचे हैं। अमेरिका के रूस से आयात पर रोक लगाने और यूरोप के से भी रूस से तेल खरीदने के रोक लगाने की खबरों के चलते कच्चे तेल के दामों में ये बड़ी उछाल आई थी और 14 साल के उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल का दाम पहुँच गया था। मार्केट टाइम्स टीवी, आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।